अभी हम ऊपर चढ़ेंगे इधर से। चलो एक सेकंड, चालू तो नहीं करा। हाँ इसमें बोलो एंकरिंग करो इसका। इधर आओ। नहीं वो बाद में देखो। ना आऊँगा। आपने कहा था वो बाद में देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू साकिवाल और इस जगह आप देख रहे हैं ये नेचर वाकई में कितना शानदार है। अगर इसकी खूबसूरती को आप जितना देखोगे उतना ही कम है। वाकई में आपको लगेगा कि हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसको देखने के लिए शायद कभी आप आए नहीं होंगे। तो आप देखिए यहाँ का नज़ारा और कितना शानदार है, बहुत अच्छा। और अभी मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेरे दोस्त जो रावत भाटा में रहते हैं जिनका नाम है टीपू भाई, तो वो यहाँ पर रेस्क्यू करते हैं। मतलब जैसे कि जो भी सांप वगैरह मगरमच्छ जो भी है उसका रेस्क्यू करते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर आज इन्वाइट किया तो मैं उनके कहने पर आज आया। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी उनसे जस्ट अभी आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उनसे जानेंगे हम इस जगह का नाम और इसके बारे में जो भी है वो सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी जस्ट आपको उनके सामने अभी मैं आपके बात कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय खराब करते हुए हैं हम उनसे मिलते हैं। तो हाँ यह है सर, ये ये हमारे टीपू भाई जो हमारे अजीज़ भी हैं, फ्रेंड भी हैं, जिन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाया और यही रेस्क्यू वगैरह करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे इस जगह की खूबसूरती का नाम और यहाँ पर कितना अच्छा जो भी है जैसा भी है मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस इनसे जानेंगे हम जो भी इसके बारे में है इस जगह का नाम क्या है। तो टीपू भाई बिल्कुल बिल्कुल, हमें बस ये बताइएगा कि इस जगह का नाम और जितना अच्छा मतलब कुदरती ये इतना अच्छा नेचर है, इतनी अच्छी जगह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम इंडिया से बाहर जाते हैं घूमने के लिए कि हम सोचते हैं कि यार इंडिया के बाहर ही सारी चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी जगह सिर्फ इंडिया के बाहर है। तो आज हमने इस जगह को देखते हुए ये देखा मैंने कि वाकई में इंडिया के अंदर भी बहुत ऐसी जगह हैं। तो इन्होंने हमें बताया तो आप इनकी जुबानी इनसे सुनिए कि इसका नाम और इसकी जो भी है सारी पहचान। तो टीपू भाई बताएंगे हमारी जुबानी। तो नमस्कार दोस्तों, आज जहां हम खड़े हैं इस जगह को चुलिया फॉल बोलते हैं और यह एरिया चंबल नदी से जुड़ा हुआ है और राणा प्रताप सागर जो बांध है उसका जो कैचमेंट एरिया है वो इसको बोला जाता है पूरे एरिया को। ठीक है, यहाँ से क्या है जो बांध का जो पानी निकलता है वो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से होता हुआ और ये चंबल नदी में ये मिल चुका है। मतलब चंबल नदी इसको बोलते हैं। कोटा, जवाहर सागर, कोटा डैम, कोटा बैराज ये पानी वहाँ तक पहुँच रहा है राउत भटा का। जी ठीक है, और ये जगह जो है ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। जी कई लोग इसको बाहर से देखने आते हैं और ये जगह जितनी खूबसूरत है जी उतनी ही ये खतरनाक भी है। जी जहाँ पर कई लोग आते हैं जिनको मना किया जाता है वन विभाग की तरफ से जी कि यहाँ पे नहाना मना है। जी क्योंकि तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह की चट्टानें हैं। जी एक मिनट कैमरा दिखे, ये देखिए जिस तरह की ये चट्टानें हैं इसी तरह से ये जो चट्टानें हैं ये पानी के अंदर भी है। जी तो क्या होता है कई बार जब नया जो भी यहाँ पे व्यक्ति आता है वो जैसे ही नहाने के लिए अंदर जंप करता है। जी तो जंप करने के बाद जैसे पानी के अंदर हम जाते हैं स्विमिंग करते हैं जी तो उसको ये पता नहीं होता है कि हम किस साइड निकल रहे हैं कहाँ निकल रहे हैं। जी तो जो ये चट्टान दिख रही है इसके अंदर भी जगह होती है। जी तो वो क्या करते हैं नहाते हुए अंदर चल जाते हैं। जी और फिर इसके बाद क्या होता है कि उनकी वहीं डेथ हो जाती है, वो उसके भंवर से इनसे निकल नहीं पाती। जी तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा जो भी यहाँ पर आता है वो प्लीज़ यहाँ पर नहीं नहाए क्योंकि यहाँ पर जब भी मौत हुई है चाहे एक व्यक्ति रहा हो या दो रहा हो वो हमेशा यहाँ पर सबके साथ मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, एक दूसरे को बचाने की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे नहाना खतरनाक है। जगह वाकई में खूबसूरत है और
यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, जब भी गेट खुलते हैं राणा प्रताप सागर बांध के, जिस जगह हम खड़े हुए हैं जी, यहाँ से वहाँ तक पूरे एरिया में यहाँ पे आपको पानी नजर आएगा जी। जब भी गेट खुलते हैं मतलब राणा प्रताप सागर बांध के, यहाँ पे पूरे एरिया में पानी रहता है जी। और इसी के अलावा यहाँ पे रावतबाटा में कई सारी जगह है घूमने की जी, जिसमें पाणाजर है, हमारे बेसोड़गढ़ अभ्यारण्य सेंचुरी है जी, जहाँ पे क्रोकोडाइल पॉइंट है, कई तरह के वन्य जीव मिलते हैं जिनमें सियार, पेंथर, हाइना, भालू, ये सभी तरह के वहाँ पे कई तरह के पक्षी, विदेशी पक्षी। अच्छा भी भाई, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहूँगा कि अभी जब बारिश के मौसम में जैसे पानी ये झरना बह रहा है, तो ये मतलब बारिश के विदाउट बारिश, जैसे मतलब कभी बारिश नहीं आती, कि उस टाइम पर भी ऐसा झरना, ये वाटरफॉल होता है क्या? ये वाटरफॉल उस टाइम पर होता है, पर ये जितना भी बह रहा है ना जी, ये इससे थोड़ा सा कम होगा बस। अच्छा। बाकी ये मतलब साल भर यहाँ पर बहता है जी, ठीक है। और जैसे अगर डैम खुलते हैं तब तो पूरे एरिया में पानी रहता है जी, पर जैसे गर्मी वगैरह में, जैसे अपन मानते गर्मी में सूखा पड़ता है जी, तब भी ये यहाँ पर पानी चालू रहता है। तो ये आइलैंड जैसी जगह है जो हम अभी देख रहे हैं सर, और वाकई में बहुत अच्छा नज़ारा है, और वाकई में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरा दिल वाकई में इतना मैं बता नहीं सकता सर कि कितना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कि अभी तक मैं जो यहाँ पर मैंने देखा, और वाकई में मुझे लगा कि वाकई में अगर कोई जगह है तो ये है। मैं अपने स्तर के हिसाब से बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं आज बिकॉज मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, और मैं यहाँ पर जो